नमस्कार दोस्तों, डेव होल्डिंग कोचिंग क्लासेस तारानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जितने संभवतः वीडियो बढ़ सकते हैं, जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों पर हम क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपने पार्ट चार तक पढ़ लिया था, शायद पार्ट कौन सा है, पांच, पार्ट कौन सा, पांच, और टॉपिक कौन सा था अपना, कैलेंडर। पार्ट पांच में अपने क्या है, ध्यान से देखें। मैंने क्या है, एक बात आपको स्टार्ट कराई थी, वार ज्ञात करना, कौन सा, वार ज्ञात करना, ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो हमने इसमें चार प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया था। एक तो डायरेक्ट वार ज्ञात करना, कौन सा, डायरेक्ट वार ज्ञात करना, जो आपको टाइप फोर में मैंने करवाया। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न, एग्जांपल के लिए यदि हम देखें यहां से, तो हमसे कोई पूछ ले कि 27 अप्रैल 2015 को कौन सा वार था, ये प्रश्न हमसे पूछे कि 27 अप्रैल 2015 को कौन सा वार था। तो मैंने कहा किसी प्रकार के इस प्रश्न में कोई कोड, महीने का कोड, कोई शताब्दी का कोड, या फिर एक लंबा चौड़ा जो आपका सूत्र है वो रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक इजी वे में जाकर इस प्रकार के सवालों का आंसर दे सकते हो। मैंने कहा हमेशा इस प्रकार का कोई भी सवाल दिया गया, यानी हमें क्या है, वार ज्ञात करने से संबंधित कोई किसी प्रकार की क्या है, दिन, महीना और तारीख तो दिया गया हो, दिन, महीना और वर्ष है, तो उस वक्त हमें क्या करना है। देखो, एक तो मैंने बताया था, एक तो इसमें शताब्दी होती है, कौन सी होती है, शताब्दी, और वो भी क्या है, पूर्ण शताब्दी। एक होता है पूर्ण वर्ष यानी कंप्लीट वर्ष, कौन सा होता है, पूर्ण वर्ष। एक मैं बार बार कह रहा था चंद्रा वर्ष, एक बार क्या है आपको ये ऐसा, तो मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको तो मुझे समझाना है, परीक्षा में यदि आपके याद है तो आप डायरेक्ट क्या है प्रश्न पत्र में अपना आंसर दे सकते हो। जैसे मैं अभी बताऊंगा किस प्रकार दे सकते हो, पूर्ण शताब्दी मतलब इसका मतलब 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 20 शताब्दी कंप्लीट होने का मतलब कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 2000 वर्ष। ध्यान रखना 21वीं शताब्दी चल रही है और कंप्लीट कितनी शताब्दी हुई है, 20 शताब्दी, 20 शताब्दी मतलब एक शताब्दी में 100 वर्ष, तो कंप्लीट शताब्दी के हिसाब से कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 2000 वर्ष। 21वीं शताब्दी का 15वां वर्ष चल रहा है, 21वीं शताब्दी का कौन सा स्टूडेंट है, 15वां वर्ष चल रहा है, तो कंप्लीट कितने हो गए, 14 वर्ष, कितने वर्ष हो गए, 14 वर्ष। चल रहा वर्ष है वो ध्यान रखना कहां तक आया, 27 अप्रैल तक आया, कहां तक आया, 27 अप्रैल तक। ये हमेशा तीन चीज होंगी, एक तो हमें शताब्दी, एक पूर्ण वर्ष, एक कौन सा, चंद्रा वर्ष। और इसके नीचे क्या लिख रहे हैं, इसके विषम दिन लिख रहे हैं, विषम दिन यानी अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कैसे लिख रहे हैं, देखो तो मैंने वहां आपको बताया था यदि यहां से अतिरिक्त दिन लिख रहा है तो सबसे पहले एक नंबर इस 2000 के लिखोगे ना, तो 2000 के 400 आपको पहले से याद करवा रखा है मैंने, 400, 800, 1200, 1600 और 2000 पर सेंस पर क्या होता है, कैलेंडर का जीरो होता है, ये वर्ष है, 400 वर्षों के बाद कैलेंडर में सेंस पर क्या होता है, जीरो। यदि फिर मैंने तीन बात आपको और बता रखी है कि 100 वर्ष की जरूरत हो तो सेंस पर 5 होंगे, 200 की जरूरत हो तो कितने होंगे, 3 होंगे, 300 वर्षों में सेंस पर कितना वर्ष मिनट है, 1 होगा। ये आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यदि 500 का चाहिए तो 400 का मान जीरो होता है तो 100 के लिए फिर वापस कितना हो गया, 5। अगर 900 का चाहिए तो 800 का जीरो होता है, 100 के लिए कितना हो गया, 5। यदि 1100 का चाहिए तो 800 के लिए तो जीरो होता है, 300 के लिए फिर कितना हो गया, 1। इसका मतलब 1100 का कोड कितना हो जाएगा, 1, या 1100 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1। कोड का कोई यहाँ क्या मतलब नहीं है, मतलब विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1। और इस प्रकार अपने इसमें बात करनी थी, तो यहाँ देखोगे आप पहले 2000 का क्या है, 2000 का सेंस पर क्या हो गया, जीरो हो गया, इसके अकॉर्डिंग 2000 का क्या हो गया, जीरो। एक लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन पर आओगे, दूसरे पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष के अंदर मैंने बहुत ही आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया था, वर्ष प्लस लीप वर्ष ले लो, अपने आप क्या जाएंगे, अपने आप यहाँ विषम दिन आ जाएंगे, कितने विषम दिन है, यहाँ जो भी वर्ष होंगे उसमें वर्ष प्लस क्या लेना, लीप वर्ष, कि एक तो वर्ष कितने इसमें, 14, और 14 वर्षों में अधिकतम कितने लीप वर्ष आ सकते हैं, कितने वर्ष आ सकते हैं,
यानी अपने आ सकते हैं तीन, कितने आ सकते हैं तीन। अब अपने तीसरी लाइन में आ जाओ, जनवरी का कोड या जनवरी में विषम दिन कोई जनवरी हो तीन होता है एक, यदि याद है तो पिछले वीडियो मैंने बता भी रखा है कि आपको चार महीने में इसका टेस्ट करने, एक तो कौन सा है अप्रैल, एक सो कौन सा है अप्रैल, एक जून, एक सितंबर, एक कौन सा है नवंबर, ये चार महीने आपके यदि क्या है मुख जवानी याद है, ये चार महीने में क्यों लिखे कि इस चार महीनों में कितने दिन होते हैं तीस दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं तीस दिन, तो इसके जो बाकी बच गए उसमें कितने दिन होंगे इकतीस दिन होंगे। अरे फरवरी का सभी को याद रहता है फरवरी में अट्ठाईस या उनतीस दिन होंगे, लीप वर्ष होगा तो उनतीस दिन होंगे वरना क्या होंगे अट्ठाईस। इसका मतलब चार महीने, वर्ष के चार महीने तो तीस दिन के होते हैं, सात महीने इकतीस दिन के होते हैं और एक महीना फरवरी अट्ठाईस या क्या होता है उनतीस का होता है। तो ये चार अपने आप याद है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर लिखो तब सेंस पर इसका क्या लिखना है, जब भी क्या एक महीनों के सेंस पर क्या लिख लेना दो, बाकी के तीन फरवरी का जब भी नाम आता है तो आपको याद ही रहता है कि या तो 28 दिन है तो जीरो सेंसफल है, 29 है तो क्या है एक सेंसफल। तो इसका मतलब यहां आपने क्या है जनवरी ले ली, फरवरी देखो चल रहा वर्ष की, देखना फरवरी 2015 गिन रहे हैं, 27 अप्रैल 2015 की चल रही है, तो इसका मतलब 2015 एक सामान्य वर्ष है तो सेंसफल फरवरी का जीरो, मार्च कोई होती इकतीस और अप्रैल कहां तक चल रहा है 27 मतलब 27 लिख सकते हो, 27 इतना बड़ा क्यों लिखें, इसका मतलब काट के सेंसफल कितने लिख दो इसके 6 लिख दो, क्या लिख दो 6। अब इसमें क्या है यहाँ भाग सात, इसका मतलब वापस क्योंकि इतने बड़े सेंसफल नहीं हो सकते, सेंसफल हमेशा सात से क्या होते हैं छोटे होते हैं क्योंकि वारों की संख्या कितनी होती है सात। तो अब अपने यहां से देखेंगे तो इस 14 की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों आप क्या 14 के पूरे पूरे दो सप्ताह पड़ गए, तीन तीन छह तीन नौ छह पंद्रह, पंद्रह का सेंस पर क्या आ गया, पंद्रह का सेंस पर क्या आ गया एक, क्या आ गया एक, एक सेंस पर आ गया, इसका मतलब आपका क्या है यानी 27 अप्रैल 2015 को कौन सा बार आएगा पहला दिन कैलेंडर का, यहां एक का मतलब कुछ हो सकता है आपके गाइडों ने कुछ और दे रखा हो, मैं बोर्ड से मतलब नहीं रखता, मैं ये बता रहा हूं आपको एक सेंस पर आने का मतलब क्या है कि एक सेंस पर इसका मतलब कैलेंडर में प्रथम दिन कौन सा था सोमवार, तो इसका मतलब एक सेंस पर है तो इसका अर्थ क्या होगा सोमवार, यदि दो होता तो पहला दिन सोमवार था दूसरा कौन सा मंगलवार, यदि पांच होता तो इस प्रकार शुक्रवार, छह होता तो शनिवार, जीरो होता तो क्या होता रविवार होता, ये आपका पूरा। अब अपने परीक्षा में यदि हो, परीक्षा में यदि आपके सामने सवाल आ गया 27 अप्रैल 2015, तो आपकी ये अगर पैटर्न याद है कि हाँ इसमें तीन चीजें होती हैं पूर्ण शताब्दी पूर्ण वर्ष और चल रहा वर्ष, तो आप डायरेक्ट यहाँ सकते हो, डायरेक्ट क्या सकते हो यहाँ, कोई अगर कोई कुछ चीजें अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं, कोई नए कोई कोड रखने की आवश्यकता है नए कोई क्या सूत्र याद रखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट ही क्या सवाल आपके सामने बोले हाँ 21वीं शताब्दी चल रही, इसका मतलब 20 कंप्लीट, 20 का क्या आ गया जी जीरो आ गया, फिर अपने ध्यान बोले चल रहा वर्ष बोले 14 है बोले 14 सॉरी कंप्लीट वर्ष चल रहा वर्ष कौन सा है 15, तो कंप्लीट कितने हो गए 14 हो गए, 14 के एक बार 14 लिख लो, 14 में सेंस पर लीप वर्ष कितने आ सकते हैं तीन, दूसरी बात करें पर फिर अपने क्या है 15 वर्ष कहां तक आया बोले 27 अप्रैल तक, बोले 27 अप्रैल मतलब क्या है ये जनवरी आ गया ये फरवरी ये मार्च सर ये क्या हो गया अप्रैल, अब जी इसका क्या है करो ये आपने वही छोड़ दिया, तीन तीन छह तीन नौ छह पंद्रह पंद्रह का एक क्या गया सेंस पर आ गया वही से पड़ता आ जाएगा टिक कर दो तुरंत कौन सा होगा बोले सोमवार। तो इतना लंबा वे नहीं है क्योंकि मैंने तो आपको लिखवानी है चीजें, क्या है कि आपके क्या है कि वापस आपको नोट्स पढ़ने भी होते हैं तब मैंने तो पूरी डिटेल से लिख रखी, लेकिन परीक्षा में आप सिर्फ इस लाइन का इस्तेमाल करोगे, एक बार आपने अगर चीजें याद कर ली यानी दिमाग में पूर्णतः आपने सेट कर ली कि हाँ इसी प्रकार का ये पैटर्न होता है, इसमें कुछ चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये मूलभूत जानकारी बेस पर आधारित है आपका क्या है ये तरीका है एकदम बेस पर आधारित है, इसका मतलब कैलेंडर इसी प्रकार एक में बार याद किया जाता है, वो अपने जो सूत्र बनाए गए वो एक कृत्रिम सूत्र है, बाकी उसमें क्या है लीप और समधी तो अवधारणा जो दी थी पोप ग्रेगरी ने उसके अकॉर्डिंग अगर चले उसके अकॉर्डिंग अगर सेंस पर ज्ञात करके पहुंचे तो ये वास्तविक तरीका कौन सा था यही था, ये आपका कौन सा था डायरेक्ट बार याद करो कौन सी टाइप ये एक नंबर टाइप। अब अपने क्या इस प्रकार के प्रश्न तो आप सभी सोल्व कर लोगे, कोई किसी प्रकार की मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि आती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में क्या है किसी प्रकार का प्रश्न आप टाइप कर सकते हो, उस टाइप में आप क्या रखना ध्यान कर रखना, और टाइप में अपने क्या है जिस प्रकार का प्रश्न आप टाइप कर रहे हो तो उसी प्रकार का आप करोगे, उसके बाद आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आपको क्या आंसर उपलब्ध करवा दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रकार का प्रश्न। एक आपको मैं जानकारी दे दूं क्योंकि जो बच्चे राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपको पता है कि एक या दो दिनों में पिछले दिनों से चर्चा चल रही है, जैसे अपना अभी कौन सा चल रहा है जून महीना चल रहा है, तो जून के बाद नेक्स्ट कौन सा है जुलाई के लास्ट तक क्या है कि उसकी परीक्षा करवाने की तैयारियां चल रही है, तो अपने हिसाब से आप तैयार रहिए, आप नियमित क्लास से क्या जुड़िए, जिस टॉपिक में आपको क्या है
आपकी अच्छी पकड़ नहीं है उस टॉपिक को, क्या करिए आप मजबूत कीजिए। और इस प्रकार के विचार मन में नहीं आना चाहिए कि अभी क्या है कि इस प्रकार की वैश्विक महामारी चल रही है, क्या परीक्षा नहीं होगी, ये आप अपने स्वयं पर निर्णय मत लीजिए, अपनी क्या रखनी है तैयारी रखनी, कभी भी क्या है अपने क्या है, सरकार जो भी अपने दिशा निर्देश देती है उसके अकॉर्डिंग क्या परीक्षा होगी, तो हम अपने हिसाब से क्या पहले से बिल्कुल तैयार है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपकी चर्चा अभी हाल ही में चल रही है परीक्षा करवाने की, तो आप निश्चित तौर पर जो राजस्थान पुलिस के बच्चे हैं वो इस बात पर अवश्य ध्यान दें। बाकी पटवार है वो भी आपके फॉर्म में पहले से क्या है लिए हुए हैं, तो वो भी परीक्षा क्या है नियत समय पर ही हो सकती है। उसके बाद अपने दो नंबर टाइप इसमें ध्यान करना, दो नंबर कौन सी टाइप अपने, यानी वर्ष तो क्या होंगे एस मन, वर्ष क्या होंगे एस मन, यानी आपको अगर ध्यान हो तो कैलेंडर का पार्ट 3 में मैंने पहले से आपको बताई थी मैंने कि मैं वार याद करने में चार प्रकार के सवाल कराऊंगा, चार प्रकार की टाइप लूंगा, तो एक टाइप मैंने कंप्लीट कर दी है। दूसरी टाइप आपको क्या है वर्ष असमान व दिनांक क्या होगी समान, दिनांक क्या होगी समान, बहुत ही आसान प्रकार का सवाल है, कुछ भी नहीं करना होता आपको। देखो ध्यान से देखो, यानी इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे तो किस प्रकार, देखो एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने कह दिया आपको कि 17 मार्च 2002 सोमवार, कौन सा है सोमवार, तो बताओ 17 मार्च 2011 को कौन सा वार, इस प्रकार के सवाल है, पूरा आपका सवाल परीक्षा में लिखा होगा। यदि 17 मार्च 2002 को सोमवार है तो बताइए 17 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा, इस प्रकार पूरा आपका सवाल लिखाएगा, वहां चार ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार के सवालों में देखो यहाँ तो कोई अंतर है ही नहीं 17 मार्च 17 मार्च, सिर्फ अंतर किस मारा है वर्षों में, तो आ रहा है अंतर किस मारा है वर्षों मारा है, तो हमें पता है वर्षों का अंतर है, तो हम भी क्या कर लेंगे यहाँ इसका यदि फॉर्मूला टाइप करना चाहे या जो भी आपका क्या करने का जो तरीका रहेगा इस सवाल को सोल्व करने का, वो अपने वर्षों का अंतर ले लेना प्लस क्या जोड़ देना लीप वर्ष, क्या जोड़ देना लीप वर्ष, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, यदि संख्या 7 से बड़ी है तो भाग देकर के एसएस पर ज्ञात करने के लिए क्या कर देना छोटी के लिए। यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो आपका विषमदि निकालने का तरीका ये रहेगा, क्या रहेगा विषमदि, विषमदि निकालने का तरीका क्या रहेगा ये, यानी वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे क्या हो जाएगा सब। तो देखो किस प्रकार से, यानी 2 और 11 में अंतर कितने का है, वर्षों का अंतर कितने का है 9 का, और लीप वर्ष आपको पता है एक तो बीच में 2004 आ गया, एक कौन सा आ गया 8 आ गया, 12 आया नहीं, इसका मतलब लीप वर्ष कितने हैं 2 है, 9 2 11 बटे 7 सेंस पर कितने आ गए 4। यदि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सेंस पर क्या कर देंगे स्टूडेंट जोड़ देंगे, यदि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो जोड़ देंगे, देखो 2 से किसकी तरफ जा रहे हैं 11 की तरफ जा रहे हैं, तो दिए गए बार में जोड़ देंगे, क्योंकि क्या कर देंगे दिए गए बार में जोड़ देंगे, तो दिए गए बार में जोड़ेंगे तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो आपको पता है कौन सा बार आएगा, कौन सा देखो मंगल बुध बृहस्पति और कौन सा आएगा शुक्र, आपको बताओ सोमवार के बाद एक नंबर मंगलवार बुधवार गुरुवार और कौन सा आएगा शुक्रवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा शुक्रवार। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, 2-4 और प्रैक्टिस के लिए हम सवाल लेंगे इस टाइप से। उसके बाद यदि आपसे इस प्रकार पूछा जाए वर्षों का अंतर प्लस है लीप वर्ष, यदि इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है जैसे और मान लीजिए क्या है 27 फरवरी 2000 को, यानी मंगलवार है, कौन सा वार है मंगलवार, तो बताइए क्योंकि ये तो अपनी टाइप ऐसी चल रही है तो एक बार मैं क्या ले रहा हूं दिनांक क्या ले रहा हूं समान ले रहा हूं, मैंने पहले भी बताया क्यों ले रहा हूं क्योंकि इसमें समय का अंतर होता है, यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो आप दूसरे वे में जाकर करोगे तो हो सकता है आप कोई गलत तरीका अपना के उसमें टाइम ज्यादा लगाओगे, तो एक सही जितना जिस प्रकार का सवाल दिया उसी प्रकार के तरीके का इस्तेमाल कर आप टाइम की क्या कर सकते हो बचत कर सकते हो। तो देखो यहाँ यदि मैं दे दूं 27 अप्रैल 2012 को कौन सा वार है, ये देखो ये दे दिया इस प्रकार सवाल आ गए, तो इसका मतलब वही सूत्र था आपका वही रहना है इस प्रकार के सवालों में, तो अपना क्या विषमदि निकालने का भी आपको बताया था फॉर्मूला कौन सा था विषमदि, यानी वर्षों का अंतर प्लस है लीप वर्ष, वर्षों का अंतर प्लस है लीप वर्ष, अंतर प्लस है लीप वर्ष बटे क्या होगा 7 होगा।
बढ़िया होगा सब। तो अपने ध्यान से देखोगे तो वर्षों का अंतर की बार कितना आ रहा है, वर्षों का अंतर तो सभी को दिखाई दे रहा है 12 वर्ष का आ रहा है, कितने वर्ष का आ रहा है 12 वर्ष का, वर्षों का अंतर कितने वर्ष का है 12, लीप वर्ष है, लीप वर्ष कितने, लीप वर्ष ध्यान करना 27 फरवरी से आगे जा रहे हैं, 27 फरवरी 2000 से, तो निश्चित तौर पर आगे जाएंगे तो 29 फरवरी आएगी, 2000 की 29 फरवरी बीच में क्या होगी काउंट होगी। यदि कोई आप देखने से लीप वर्ष नहीं होगा ये ध्यान रखना, कोई यदि आप देख रहे हो कि 2001 लीप शताब्दी या 2012 देखने से नहीं होगा, यदि उसकी क्या बीच में 29 फरवरी काउंट हो रही है तभी उसको क्या मानेंगे लीप वर्ष मानेंगे, यदि हम 29 फरवरी काउंट नहीं करें तो वो लीप वर्ष अपने दिखाई देते हुए अपने क्या नहीं करेंगे काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। जैसे 2000 की तो बिल्कुल अपने चलेंगे आगे 29 फरवरी आ जाएगी, तो 2000 तो यहाँ लीप वर्ष है कोई दिक्कत नहीं, 2000 लीप शताब्दी होने के कारण क्या लीप वर्ष है। तो इसके बाद अपने देखेंगे तो आगे 4 में किसी के डाउट नहीं हो रहा क्योंकि 4 तो पूर्णतः बीच में आ रहा है, 8 पूर्णतः बीच में आ रहा है, 12 में बहुत बच्चों के डाउट हो रहा है तो ध्यान करना 12 यहाँ लीप वर्ष नहीं है, 12 यहाँ क्या नहीं है लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या है 2012 में प्रवेश करते ही कहां रुक जाएंगे 27 फरवरी पर रुक जाएंगे, हमें 29 फरवरी काउंट करनी ही नहीं है, 29 फरवरी तक जाना ही नहीं, उससे पहले रुक रहे थे, इसका मतलब है 29 फरवरी जब तक काउंट नहीं होगी तब तक उसको क्या नहीं मानेंगे लीप वर्ष नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब आपके पास 12 और लीप वर्ष कितने हो गए 3, 15/7 सेंस पर क्या आ गया 1, 1 सेंस पर क्या कर देंगे आगे जा रहे हैं आपकी बार भी आगे जा रहे हैं तो 1 सेंस पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, आपका उत्तर कौन सा बार आ जाएगा बुधवार आ जाएगा, कौन सा बार है बुधवार। तो आपका ये दूसरा तरीका वो दूसरा सवाल था, इसी प्रकार एक दो सवाल और देखेंगे हम। जैसे जैसे यदि आप कुछ कई बार क्या है कि अगर बड़ी संख्या आती है तो ध्यान करना, जैसे 29 फरवरी 1988 को यानी शनिवार है, कौन सा वार है शनिवार, तो बताइए यहां तो समाज रखना है 29 फरवरी 2016 को कौन सा वार है, 29 फरवरी 2016 को कौन सा वार हो, यानी 29 फरवरी 1988 को कौन सा वार था शनिवार, तो 29 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा ये हमें पूछा है, पूरा सवाल लिखाएगा तो आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिए। जैसे अपने क्या दे रखा है 28 कौन सी है 29 फरवरी, क्योंकि 1988 क्या है लीप वर्ष है तो उसमें फरवरी कितनी आएगी 29, 16 भी क्या है लीप वर्ष है, 16 भी कौन सा है लीप वर्ष, तो ध्यान करिए यहाँ 1988 के बाद पहले तो अंतर देखो कितने वर्ष का है, 88 में 12 जोड़ेंगे तो 2000 बन गया, आगे क्या है 16 और बच गए वो, तो अपने क्या है 16 और 12 तो 16 10 26 2 28 वर्षों का अंतर तो कितने वर्ष का आ गया 28। अब लीप वर्ष कितना होगा, लीप वर्ष इसमें 7 होगा, कितना होगा 7, और सेंस पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ध्यान रखना कैसे 1988 यहाँ लीप वर्ष नहीं है स्टूडेंट, 1988 यहाँ क्या नहीं है लीप वर्ष नहीं, क्योंकि 1988 की 29 फरवरी तो बीत गई, क्योंकि 29 फरवरी देर के ना तो अपने काउंट कहां से होगा 1 मार्च से होगा, इसका मतलब 29 फरवरी तो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि हमें देर की, इसका मतलब वो नीचे निकल गई पीछे निकल गई, तो इसका मतलब आगे क्या है 92 आएगा, 1992 96 1 2000 बीच में क्या रही लीप शताब्दी 4 8 12 और कौन सा है 16 में कहां तक जाना है 29 फरवरी तक जाना है, कौन सा तक जाना है 29 फरवरी, या फिर दोनों तरफ की यदि इस प्रकार फरवरी की दिनांक और दोनों क्या है लीप वर्ष हो, कौन से हो लीप वर्ष हो, ध्यान रखना एक तरफ ही काउंट होगा, ध्यान रखना क्या होगा एक तरफ ही काउंट होगा चाहे कौन सा ही काउंट कर लो, यानी एक छोड़ देना आपको क्या कर देना है एक छोड़ देना है, दोनों कभी काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसीलिए मैंने बताया 28 तो क्या है वर्षों का अंतर है लीप वर्ष कितने 7, 28 7 35 35 में 7 का भाग दो सेंस पर 0, 0 का मतलब क्या है जोड़ोगे 0 सेंस पर है तो सेंस पर क्या था 0 था, तो इसका मतलब वार कौन सा रहेगा समान रहेगा, इसका मतलब यहाँ शनिवार का क्या रह जाएगा शनिवार रह जाएगा, कौन सा वार रहेगा शनिवार का क्या रहेगा शनिवार, ये भी बात आप समझ चुके हो। तो ध्यान करना इस प्रकार ये फरवरी वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें दोनों तरफ क्या नहीं होगा लीप वर्ष काउंट नहीं होगा, आपको मैंने डिटेल से समझा भी दिया क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है वो भी मैंने बात बताई आपको, कौन कौन से लीप वर्ष बीच में आए वो भी बात मैंने क्या है बताई। तो उसके बाद अपने ध्यान से और देखेंगे स्टूडेंट, तो देखो जैसे एक दो सवाल और देखेंगे, जैसे अपने दे रखा हो 15 सितंबर 15 सितंबर
15 सितंबर 1994 कौन सा बार हो? सोमवार। कौन सा हो? सोमवार। तो मैं पूछ रहे 15 सितंबर एक बार, क्योंकि अपने दिक्कत अपने क्या टाइप कौन सी ले रखी है, अपने वर्ष क्या रखने इसमें, एस मान रखने, दिनांक क्या रखनी है, समय। तो इसका मतलब यहाँ पूछ सकता है 15 सितंबर 2017 को कौन सा बार होगा, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे 2017 को कौन सा बार होगा। तो यहाँ देखो किस प्रकार पैटर्न आपका करने का वही रहेगा, क्योंकि वर्षों का अंतर, वर्षों का क्या ले लो, अंतर, वर्षों का अंतर लोगे। अब इसके कुछ बच्चों के दिमाग में वर्षों का अंतर ले रहे हैं सर, वर्षों का अंतर ले रहे हैं, जैसे क्या आ गया 94 और 17, इसका मतलब 94 में 6 जोड़ोगे 2017 6 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। अब बीच में लीपर्स कितने आ रहे हैं, तो लीपर्स देखोगे तो 94 बाद में 96 नहीं आ रहा, 2000 नहीं आ रहा, 2000 के बाद 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, कैंसर आया है 16। तो इसका मतलब लीपर से 1 2 3 4 5 और 6, तो 23 6 29 29 में 7 का भाग दो सेंस पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 सेंस पर आएगा। तो आप सोमवार में 1 जोड़ोगे कौन सा बार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यहाँ ध्यान करना, जैसे मैंने वर्षों का अंतर 23 ले लिया, फिर आगे लीपर्स क्या लिए हैं, 6 लिए। तो आप सोचोगे लीपर्स 6 लिए इसका मतलब क्या हो, क्योंकि एक बार लीपर्स में क्या विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो सर 1 क्यों ले रहे हैं, इसका कारण ये है कि यहाँ देखोगे तो वर्षों का अंतर कितने वर्षों का है, 23 वर्ष है, टोटल कितने वर्ष है, 23 वर्ष है। पीछे भी ये बात बताइए 23 वर्ष है, इसका मतलब वर्ष दो प्रकार के, 6 तो क्या है लीपर्स, 6 लीपर्स, इसका मतलब 17 क्या है, सरल। तो 17 अपने साधारण है, तो इसका मतलब 7 और 17 प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिन 1, प्रत्येक लीप वर्ष में कितने हैं 2। तो अपने क्या है यहाँ क्या हुआ, 17 6 29 हुए, 23 6 29 हुए ना, तो ये देखो 17 17 12 कितने होते हैं, 17 12 भी आपका उत्तर कितना आएगा, 29 आएगा, 29। तो आपका वापस कितना हो गया 29। इसलिए ये थोड़ी प्रोसेसिंग लंबी है, तो मैंने वहां डायरेक्ट आपको बता दिया, कौन सा बता दिया है, डायरेक्ट आपको बता दिया कि 23 यानी एक बार क्या लो वर्षों का अंतर देख लो, उसके बाद क्या लो लीप वर्ष, यानी जो लीपर्स है उसकी एक बार संख्या इधर काउंट हो जाएगी। देखो ये 6 एक बार इनकी इधर हो गई, क्योंकि यहाँ सामान्य वर्ष 17 ही थे, अब 23 ले रहे, इसका मतलब एक बार 6 इनकी ले रहे हो विषम दिन, एक बार इनके अलग हो जाएंगे, तो वर्षों के जो भी लीपर्स है उनके क्या है वो विषम दिनों की संख्या टोटल के टोटल क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। इसलिए आप ये पैटर्न अप्लाई कीजिए, वर्षों का अंतर प्लस क्या है लीपर्स लोगे इस प्रकार के सवालों में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट। उसी प्रकार अपने और जैसे ध्यान करेंगे एक दो सवाल क्या है जिससे पीछे सवाल यानी बैक चलने वाले नहीं, इसमें कई बार क्या आगे का देखकर किसका पूछता है पीछे का पूछता है, तो वहां भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी। तो देखो कैसे, जैसे अपने क्या है, जैसे अपने दे दिया कि 15 मई 2014 यदि मान लीजिए कौन सा वार है बुधवार, कौन सा वार है बुधवार, तो बताइए क्योंकि यहाँ ये तो सिद्धांत रखना है, मैं एक बार 15 मई 1998 को कौन सा वार होगा, 15 मई 1998 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ देखो की बार के आपको 14 का देखकर किसका 1998 का पूछा है, 2014 का देखकर कौन सा वार पूछा है 1998 का। तो यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान कीजिए, क्या ध्यान कीजिए, क्योंकि हमें क्या है सिर्फ बाकी का पैटर्न समान रहेगा, यही रहेगा बस उनका अंतर प्लस क्या रहेगा लीपर्स, किसका तरीका ये विषम दिन निकालने का, क्या निकालने का विषम दिन, कब निकालेंगे इस पैटर्न से विषम दिन, जब वर्ष क्या हो एस मान और दिनांक क्या दे रखे हो समान दे रखे हो, क्या दे रखे हो समान, उस कंडीशन में हम क्या है इस सूत्र का सहारा लेकर या इस पैटर्न का सहारा लेकर हम विषम दिनों की संख्या क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अपने क्या है 14 और 98 में अंतर देखोगे तो 14 तो 2000 के बाद और 2 में कितने हो गए 16, वर्षों का अंतर कितना है 16, तो लीपर्स देखोगे तो लीपर्स देखो पीछे 2014 से अपने पीछे हैं तो एक क्या रहा है 12 आ रहा है, एक क्या रहा है 8 आ रहा है, एक क्या रहा है 4 आ रहा है, एक क्या रहा है 2000 आ रहा है, क्या रहा है 2000, इसका मतलब लीपर्स कितने होंगे, लीपर्स कितने होंगे 4, कितने होंगे 4। और यदि मैं आपको बता दूं जैसे अपने 2000 के इर्द गिर्द सवाल आ रहे हैं 2000 से यानी 2100 से पहले के सवाल, और इसके मतलब क्या है जैसे 1900 शताब्दी बीच में नहीं आनी चाहिए और 21वीं शताब्दी बीच में नहीं आनी चाहिए, यानी बीच में अगर शताब्दी आ रही है तो वो कौन सी आनी चाहिए 2000, जब वहां संख्या यदि क्या है 20 है 8 है 16 है 24 है तो वहां पूरे पूरे लीपर्स होंगे, 16 में 4 बनते हैं तो 4 होंगे, 20 में यदि 5 बनते हैं तो 5 होंगे, यदि इस प्रकार की संख्या पूर्णता आती है तो वहां बगैर सोचे क्या लिख सकते, लेकिन ध्यान करना यानी वो शताब्दी वही होनी चाहिए। ये देखो अपने चल रही है 2000 के इर्द गिर्द, यदि फिर कोई साधारण शताब्दी बीच में आ गई तो कई बार क्या है लीपर्स 4 वर्ष के बाद नहीं आता, कितने वर्षों के बाद आता है 8 वर्षों के बाद आता है। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल के लिए गुरु जी ने तो बोल रखा है, जैसे आपको दे रखा है 1896 से आपको दे दिया 1908 क्या दे दिया 8,
अब यहाँ देखोगे वर्षों का अंतर कितने का आ गया, 12 का, लेकिन लीप वर्ष अब यहाँ सोचकर 3 लिख दोगे तो ये आपका लिखना 3 क्या है, गलत है। गुरुवारा तो गुरुजी ने बोल रखा है 3 होगा, नहीं, यहाँ बीच में शताब्दी कोण सी, क्योंकि 96 के बाद 1900 आ रहा है, क्या रहा है, फिर 1900 क्या रहा है, 4 आ रहा है, 1901 आधार शताब्दी, इसलिए क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, 1904 एक क्या है, लीप वर्ष है, 8 क्या हो गया, एक लीप वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष यहाँ पे क्या होंगे, 2 होंगे, क्या होंगे, 2, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका मतलब बीच में कौन सी शताब्दी कौन सी होनी चाहिए, लीप होनी चाहिए, तब आपको क्या है, अगर पूरी पूरी संख्या रही, यदि आप शताब्दी काउंट करें तो वो लीप यदि काउंट किए तो पूरी पूरी यदि संख्या रही 16 है, 20 है, 24 है, तो वहाँ पूरे पूरे वर्ष होंगे, ये अभी लीप वर्ष 35 होंगे तो आपके कितने बनते हैं, सॉरी 35 में तो नहीं, अपने क्या 36 होंगे तो 9 बन गए, 28 होंगे तो 7 बन गए, ठीक है ना, इस प्रकार 24 होंगे तो 6, वो आप समझ रहे इस बात को, तो 16 4 20 20 बटे कितना हो गया 7, 7 सेंस पर कितना आ गया 6, कितना सेंस पर आ गया 6, 6 सेंस पर बुधवार में आपको क्या करना है, जोड़ना है, बुधवार में 6 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा कौन सा आएगा, मंगलवार, कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा। एक बात मुझे और ध्यान समझानी यहाँ से, एक बात यह है, यदि यहाँ क्या है 6 जोड़ रहे हो, 6 जोड़ की जगह आप क्या कर सकते हो, 6 जोड़ रहे हो उसकी जगह 1 घटा भी सकते हो, एक ही बात है, 6 जोड़ना और 1 घटाना सेम बार पर जाओगे, जैसे अपने क्या है ये बात इस प्रकार है, 6 जोड़, क्योंकि अपने क्या है कई बार 6 जोड़ना है, 6 क्या है जोड़ रहे, एक ध्यान करना, सॉरी यदि हमने क्या है यहाँ क्या किया हमने, यानी अब की बार क्या है आगे का वर्ष दे रखा था, क्या है आगे का वर्ष किसका पूछा है, पीछे का पूछा है, तो कैलेंडर में यदि हम आगे से क्या आ रहे हो पीछे आ रहे हो तो सेंस पर हमें क्या करने माइनस, तो यहाँ क्या करने माइनस 6 करने, क्या करने माइनस 6, माइनस 6 की जगह आप प्लस 1 भी कर सकते, क्या कर सकते हो प्लस 1, तो इसका मतलब बुधवार के बाद कौन सा आता है गुरुवार, तो आपका आंसर क्या होगा गुरुवार होगा, कौन सा वार होगा गुरुवार होगा। अब यहाँ मैंने क्यों कहा माइनस 6 और प्लस 1 का समानार्थी, जैसे यानी बारों की संख्या क्या होती है 7 होती है, 4 5 6 और 7, यानी ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, इसका मतलब क्या है थर्सडे है और फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे और कौन सा हो गया सैटरडे, इसका मतलब क्या हो गया सैटरडे। तो ये जैसे अपने क्या है अभी अभी मैंने कहा गुरुवार में क्या है माइनस 6 करने, तो एक साइड आप क्या कीजिए इस साइड मान लीजिए आ रहे हो तो ये कौन सी साइड है ये माइनस वाली, यदि इस साइड अपने क्या है ये साइड माइनस वाली होगी, अगर इस साइड से आ रहे हो तो कौन सी मान लीजिए प्लस वाली मान लीजिए। जैसे आप गुरुवार बुधवार पॉइंट पर जाइए तो इसका मतलब सोमवार मंगलवार कौन सा होगा ये, यानी रविवार सोमवार मंगलवार कौन सा हो गया बुधवार, इस वक्त आप कहां पर होगी, तो आपको यदि क्या है 6 घटाने इस साइड से जाइए 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब आप कहां पर आए हो गुरुवार पर है। एक जोड़ने का मतलब देखो इस साइड से जोड़ना होता है तो बुधवार के बाद एक जोड़ो कौन सा आएगा गुरुवार है, तो इसका मतलब आपको योग साथ रहना चाहिए यदि प्लस माइनस का साइन करना है, क्योंकि कई बार पीछे चलने में दिक्कत आती है माइनस 5 करना माइनस 4 करना कोई बार में, तो कई बार अपने सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे, यानी अपने हो सकता है थोड़ा सोचकर बोलना पड़े कि हाँ इसका घटाने के बाद ये बचेगा, तो यदि उस वक्त यदि किस कंडीशन हो यदि माइनस 5 का बोल दिया तो माइनस 5 करने में यदि कोई बार में दिक्कत आ रही है तो उसकी जगह क्या लिख लो प्लस 2 लिख लो, कितना जोड़े 7 हो जाए तो 2 जोड़े तो वो अगर माइनस है तो ये क्या रहेगा प्लस रहेगा, इसका अर्थ समान है। यदि माइनस 3 आ रहा है तो माइनस 3 करने में दिक्कत आ रही तो प्लस क्या कर लो 4 कर लो, एक ही बात है माइनस 4 और 3 और 4 कितने 7, इसका मतलब ये माइनस 3 है तो इसका मतलब प्लस 4 रखेंगे तो मान इसका क्या रहेगा समान रहेगा, क्या रहेगा समान रहेगा, तो ये बात भी आप क्या रखना समझ। एक इसका लास्ट सवाल और देख लेते हैं, यानी ध्यान रखना कहीं गलती नहीं हो जाए कि आपको अगर आगे का वर्ष दे रखा हो पीछे कैलेंडर में पीछे ले जा रहा तो आपको सक्सेसफुल हमेशा क्या करने हैं हमेशा सक्सेसफुल अपने क्या करने हैं घटाने। तो यहां जैसे एक बार एक सवाल और जैसे यदि बोले जैसे अपने क्या है अभी जो पीछे मैंने लिया था 29 फरवरी 2008 को मान लीजिए सोमवार है तो बताइए 29 फरवरी 1976 को कौन सा वार होगा 1976 को कौन सा वार होगा ये सवाल आपके सामने। तो यहां भी हम क्या करेंगे अब की बार 8 का देकर 1976 की तरफ ले जा रहा 2008 का देकर तो क्या ले जा रहा है माइनस क्या होंगे जो भी आएंगे वो क्या एक्सेस पर क्या आएंगे माइनस होंगे क्या होंगे माइनस ये बात आप पहले से दिमाग में रख लेना। तो इसका मतलब क्या है वर्षों का अंतर देख लो वर्षों का अंतर देखो छिंत्र और छिंत्र इसका मतलब 24 24 8 कितने होते हैं 32 वर्षों का अंतर कितने का है 32 और लीप वर्ष मैंने कह दिया क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जो बीच में वो लीप शताब्दी आई है तो इसके अंदर 8 6 32 होते तो 8 होंगे क्या होंगे 8 8 5 40 40 में 7 का भाग दोगे तो कितने सेंस पर आएंगे 5 सेंस पर आएंगे 5 सेंस पर क्या करने हैं माइनस करने 5 माइनस कर दो या 5 माइनस की जगह क्या कर सकते हो यदि यहाँ दिक्कत आ रही है तो प्लस 2 करके उत्तर दे सकते हो सोमवार के बाद मंगलवार कौन सा आ जाएगा बुधवार आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार।
तो यहाँ 32 तो क्या है वर्षों का अंतर, क्योंकि छिद्र 24 कितने हो गए 2024 रन कितने हो गए 32 क्योंकि 32 में अपने चार वर्ष के बाद आता है तो कितने होंगे 8 32 8 40 पे 7 का भाग दिया 7 5 35 शेष पर कितने बचे 5 5 शेष पर हमें क्या करने थे माइनस, तो माइनस करना हमें क्या लगा थोड़ा कठिन लगा, तो हमने इसको किसको चेंज कर लिया प्लस में चेंज कर लिया। तो सोमवार में 2 जोड़ोगे तो मंगलवार के बाद कौन सा आएगा बुधवार है। अब यहां यदि ध्यान करोगे तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो 2008 यहां अपने क्या है देखेंगे तो 2008 से में बैक आ रहे हैं, क्या रहे बैक आ रहे हैं, तो 2008 यहां लीपर्स नहीं, 2008 यहां क्या नहीं लीपर्स, एक तो क्या है 4 है उसके बाद 2000 है उसके बाद 96 92 88 है 84 है 80 है 80 से बाद में क्या जाएगा छिद्र। तो ये देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके 8 कह रहे हैं लीपर्स, इसका 32 8 40 40 बटे 7 इसका मतलब 35 आपका क्या गया। तो आज अपने पूरे अपने वीडियो में कौन सी चर्चा की है, यानी जब क्या है वर्ष असमान हो दिनांक क्या समान हो, इससे पहले वीडियो नंबर क्या है 4 में हमने, ये वीडियो नंबर कौन सा है 5, वीडियो नंबर कौन सा है ये आपका पार्ट 5 है, कैलेंडर का पार्ट कौन सा था ये 5 नंबर पार्ट है, ठीक है ना। 5 नंबर पार्ट में हमने कौन सी चर्चा की है, हमने क्या है वर्ष असमान और दिनांक क्या समान हो, ये हमने पहले वीडियो 4 या 3 में हमने क्या है 4 सवाल ये थे कि वार ज्ञात करना कितने प्रकार से आ सकता है 4 प्रकार से, एक डायरेक्ट वार ज्ञात करना, आज भी हमने क्या इसमें एक सवाल लेकर मैंने बताया, और एक वीडियो जो 4 नंबर है वो पूरा का पूरा उस पर पूरा का पूरा वीडियो उस पर बना है डायरेक्ट वार ज्ञात करने से संबंधित, आपको एक इजी वे में एक बेस पर बताया था, आपको एक नियम बताया था उस नियम से अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो बहुत ही आसान सवाल है, वर्षों का अंतर लेना है प्लस क्या लेना है लीपर्स लेना है, अगर संख्या 7 से बड़ी जा रही है तो भाग देकर क्या करने ना सेंस पर ज्ञात कर लेना। तो इस प्रकार के मैंने बहुत से सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पर करें, यदि फिर भी आपके इस प्रकार के सवालों में कोई अगर दिक्कत आ रही हो या कोई समस्या का समाधान समस्या आ रही हो तो आपको समाधान करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने टाइप कर सकते हैं, वो आपको क्या आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा उपलब्ध होगा। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।